मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बजाज फाइनेंस के मनमानी के कारण एक मजदूर को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मामला रीवा जिले के मऊगंज अंतर्गत का है, जहां पीड़ित प्रेमलाल साकेत निवासी खटकरी के द्वारा बजाज फाइनेंस से एक ऑटो फाइनेंस करवाया गया था, जिस पर पीड़ित के द्वारा बजाज फाइनेंस ने 42 किस्तें बनवाई थी और ये सभी किस्तें जमा कर दी थी। कुछ किस्तें कोरोना काल के समय लेट हो गई थी, जिस पर पीड़ित के द्वारा पेनाल्टी के साथ पूरी किस्त जमा कर दी गई। और अब जब पीड़ित बजाज फाइनेंस के ऑफिस में एनओसी लेने के लिए गया, तो वहां पीड़ित को एनओसी नहीं दिया गया और एक नोटिस पकड़ा दिया गया, जिसमें 17,000 रुपए की मांग पीड़ित प्रेमलाल साकेत से की जा रही है। पीड़ित के द्वारा बताया गया कि कोरोना काल के समय सरकार के द्वारा सभी फाइनेंस कंपनी पर किस्त ना लेने और पेनाल्टी ना लेने का आदेश जारी किया गया था। बावजूद इसके बजाज फाइनेंस कंपनी के द्वारा कोरोना के समय भी पूरी किस्त ली गई और जो किस्तें लेट हुई थी उसमें पेनाल्टी लगाकर पूरी किस्त जमा करवाई गई। वहीं एनओसी देते समय 17,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। बजाज फाइनेंस की तरफ से जारी नोटिस में यह बताया गया है कि टोटल 12 किस्तें लेट हुई हैं, जिनमें से 4 किस्तें कोरोना काल की हैं, जिस कारण से पर किस्त पर 2,000 रुपए की पेनाल्टी लगाई गई है। वहीं पीड़ित मजदूर साफ तौर पर यह बोल रहा है कि वह पूरी किस्त पेनाल्टी के साथ जमा कर चुका है। बावजूद इसके बजाज फाइनेंस के कर्मचारियों की मनमानी के कारण उसे 17,000 रुपए की और अधिक वसूली की जा रही है और ना देने जाने पर बजाज फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी खुलेआम धमकी देते हैं कि वह किसी दिन मजदूर का ऑटो लेकर चले जाएंगे, वह कुछ नहीं कर पाएगा, जिस कारण से पीड़ित के द्वारा कुछ जगहों पर शिकायत भी की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई, लेकिन पीड़ित को अभी तक न्याय मिलता हुआ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अदालत में जाओगे तो तुमको तीसरे चौथे दिन पेशी करवा के परेशान हो जाओगे। तुम गरीब आदमी हो तो परेशान हो जाओगे नहीं, 17,000 दो तब अपनी एनओसी लेकर जाओ। मैं आपके द्वारा पूरी किस्त जमा कर दूँगा। और द्वारा पूरी किस्त जमा हो गई है, जब उसमें हम 3800 रुपया एक्स्ट्रा भी जमा है हमारा। 3800 1,000 दो बार में लेकर चले गए और जो हम वहाँ पे नोटिस भेजवाए रीवा से, तो 1800 को वो आई कि देने के लिए, तो हम 1800 रुपया नोटिस के द्वारा हम फिर दे दिए उनको। हाँ, जमा कर दिए। एनओसी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि 17,244 रुपया जमा करोगे तभी मिलेगा। अब आप क्या चाहते हैं? हम एनओसी चाहते हैं और इसीलिए अब हम गवर्नमेंट का, अब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, गली गली भटक रहे हैं हम गरीब आदमी। मेरा नाम प्रेमलाल साकेत है, मैं हरिजन हूँ और हम गरीब आदमी हैं, तो हमको परेशान किया जा रहा है। हमको जब गाड़ी दिए हैं तो ये नहीं बताए थे कि तुम्हारी जो है, तो हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे कि तुम्हारी इतनी किस्त है, अब इतना महीना इतना भरना पड़ेगा। जब हम स्टेटमेंट निकलवाए तब उसमें 42 किस्त आई, मैं 42 के 42 भर दिया हूँ। हाँ, जो दो चार छठ हो लेट फास्ट हुई है 2-4 दिन के लिए, तो उसके लिए हमें 3800 रुपया एक्स्ट्रा हमारा जमा हुआ है।